भाई साहब कैसे हो आप लोग। स्वागत आपका फिर से एक न्यूड में। बात करेंगे सुपरस्टार श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री टू के बॉक्स कलेक्शन के बारे में। आज स्त्री टू को दुनिया भर के बॉक्स पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए 26 दिन कम्प्लीट हो चुका, डे 27 कम्प्लीट हो चुका। बात करेंगे स्त्री टू ने चौथे वीक इंडिया में कितने कमाई किए, डे 24 डे 25 को सैटरडे संडे को कितना धमाकेदार कलेक्शन किया था, डे 26 को कितने कमाई करने में सफल हो पाई। वहीं भी दोस्तों श्रद्धा कपूर की स्त्री टू ने डे 27 को एडवांस बुकिंग से कितने कमाई किया है। दोस्तों ये फिल्म डे 27 को हिंदी बैलेट में दुनिया भर के बॉक्स पे कितने कमाई करने में सफल हो पाएगी। 27 दिनों के अंदर स्त्री टू ने हिंदी बैलेट में कितनी कमाई की, ओवरसीज मार्केट में कितना कलेक्शन किया है और दुनिया भर के बॉक्स पे कितने कमाई किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा श्रद्धा कपूर की स्त्री टू ने तीसरे वीक के अंदर हिंदी बैलेट में 72 करोड़ 83 लाख रुपए की कमाई करके बाहुबली 2 का तीसरे वीक के अंदर हिंदी बैलेट में 70 करोड़ की कमाई करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। गदर 2 का 63 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ा था। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तीसरे वीक अंदर हिंदी बैलेट में 55 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की थी। रणबीर कपूर की एनिमल मूवी ने तीसरे वीक अंदर हिंदी बैलेट में 53 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने तीसरे वीक अंदर हिंदी बैलेट में 49 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों आज स्त्री टू को दुनिया भर के बॉक्स पर रिलीज हुए चौथा वीक चल रहा है। दोस्तों ये फिल्म जो है चौथे वीक के अंदर भी हिंदी बैलेट में हाइएस्ट कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम के ऊपर करने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इतिहास के पन्ने में सुपरस्टार आमिर खान की गजनी मूवी ने 2008 के टाइम पहली दफा हिंदी बेल्ट में 100 करोड़ का क्लब इंट किया था। 2009 के टाइम में आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी ने पहली दफा 200 करोड़ का क्लब इंट किया था। 2014 में आमिर खान की पीके मूवी ने पहली दफा हिंदी बेल्ट में 300 करोड़ का क्लब इंट किया था। उसके बाद दोस्तों 8 साल के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान ने पहली दफा हिंदी बेल्ट में 400 करोड़ का क्लब इंट किया था। पठान ने 500 करोड़ का नंबर क्रॉस करके 500 करोड़ का क्लब इंट किया था। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 550 करोड़ का क्लब इंट किया था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा श्रद्धा कपूर की स्त्री टू के अंदर इतनी पावर, ये फिल्म लाइफ टाइम हिंदी बैलेट में 600 करोड़ की कमाई करके इतिहास के पन्नों में 600 करोड़ का क्लब इनवेट करेगी, जो शाहरुख खान की फिल्म किंग भी नहीं तोड़ पाएगी और ना ही सलमान भाईजान की सिकंदर मूवी हिंदी बैलेट में 600 करोड़ की कमाई करके स्त्री टू का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। भाई साहब स्त्री टू लगातार बॉक्स पर अनस्टॉपेबल जा रही, इस फिल्म को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप लोग कंपैरिजन करते हो शाहरुख खान की फिल्म जवान और स्त्री टू के हिंदी बैलेट के कलेक्शन के बारे में। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान ने 26 दिनों के अंदर हिंदी बैलेट में 554 करोड़ की कमाई की, जबकि श्रद्धा कपूर की स्त्री टू ने 25 दिनों के अंदर हिंदी बैलेट में 551 करोड़ की कमाई की थी। दोस्तों स्त्री टू ने 27 दिनों के अंदर हिंदी बैलेट में शाहरुख खान की फिल्म जवान को टक्कर दे रखी है। दोस्तों जिस तरह ये फिल्म बॉक्स पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है ये बात सच है। ये फिल्म पक्का शाहरुख खान की फिल्म जवान का लाइफ टाइम हिंदी बैलेट में 583 करोड़ की कमाई करने के रिकॉर्ड को कन्फर्म तोड़ने वाली है। वेल बात कर लेते हैं स्त्री टू के डे बाय डे कलेक्शन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती, अगर आप लोग श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के डायन फैंस हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें सपोर्ट दिखा सकता है। दोस्तों श्रद्धा कपूर की स्त्री टू का बजट 80 करोड़ का, जिसको 15 अगस्त वाले दिन इंडिया में 3000 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया था। ओवर्स मार्केट में 1600 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में 55 करोड़ की कमाई के दुनिया भर के बॉक्स पे 75 करोड़ की कमाई की थी। डे 4 को संडे को 58 करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड बॉक्स पे 80 करोड़ का धंधा करके सिंगल डे में हाईएस्ट कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। स्त्री टू का पहला वीकेंड 4 दिन का था। पहले 4 दिनों के अंदर हिंदी बैलेट में 204 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 283 करोड़ की कमाई की थी। स्त्री टू का पहला वीक 8 दिन का था। पहले 8 दिनों के अंदर हिंदी वर्जन में 307 करोड़ की कमाई की। इंडिया ग्रॉस सिलेक्शन में 364 करोड़ की कमाई करके ओवरसीज मार्केट में 63 करोड़ का धंधा किया था। पहले 8 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे इस फिल्म ने 429 करोड़ की कमाई करके ब्लॉकबस्टर बनने का टैग लगवा लिया था। दूसरे वीक के अंदर स्त्री टू ने हिंदी बैलेट में 153 करोड़ की कमाई की। इंडिया ग्रॉस सिलेक्शन में 186 करोड़ की कमाई करके तीसरे वीक के अंदर ओवर्स मार्केट में दूसरे वीक के अंदर 52 करोड़ की कमाई करके स्त्री टू दोस्तों दूसरे वीक के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 238 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाई। तीसरे वीक के अंदर स्त्री टू ने हिंदी बैलेट में 75 करोड़ की कमाई की। इंडिया ग्रॉस सिलेक्शन में 85 करोड़ की। तीसरे वीक के अंदर ओवर्स मार्केट में 23 करोड़ की कमाई करके स्त्री टू दोस्तों तीसरे वीक के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 108 करोड़ की कमाई करके हिस्टोरिकल कलेक्शन करने का रिकॉर्ड कायम किया। आज स्त्री टू को दुनिया भर के बॉक्स पे रिलीज हुए चौथे वीक के 205 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं। डे 23 को इस फिल्म ने हिंदी बैलेट में 4 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई करके वर्ल्ड बॉक्स पर पूरे 6 करोड़ 90 लाख रुपये की कमाई की।
डे 24 को चौथे सैटरडे को हिंदी बेल्ट में 9 करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बक्स में 12 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। डे 25 को चौथे संडे को हिंदी बेल्ट में 11 करोड़ 20 लाख रुपए का धंधा किया। इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 13 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की। डे 25 को ओवर्स मार्केट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करके दोस्तों ये फिल्म डे 25 को दुनिया भर के बक्स पे पूरे 15 करोड़ की धमाकेदार कमाई करने में सफल हो पाई। डे 26 को यानी चौथे मंडे को हिंदी बेल्ट में केवल 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की है। इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 4 करोड़ 50 लाख रुपए का धंधा करके ओवर्स मार्केट में 1 करोड़ की कमाई की है। दोस्तों ये फिल्म डे 26 को दुनिया भर के बक्स पे पूरे जो है 5 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई करने में सफल हो पाई है। वेल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा श्रद्धा कपूर की स्त्री टू बॉक्स पर लगातार अच्छी खासी कमाई कर रही है। ये फिल्म 227 को हिंदी बेल्ट में पूरे 3 करोड़ की कमाई करेगी और इंडिया ग्रॉस सिलेक्शन में पूरे 204 करोड़ का धंधा करेगी। ओवर्स मार्केट में 80 लाख रुपये की कमाई करके डे 27 को श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री टू दुनिया भर के बॉक्स पर 4 करोड़ 80 लाख रुपये का धंधा करने में सफल हो पाएगी। दोस्तों अभी मुझे पता है डे 27 कम्प्लीट नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों डे 26 की ऑल इंडिया में एडवांस बुकिंग 1 करोड़ 15 लाख रुपए की, जबकि डे 27 की पूरे भारत में 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। भाई साहब एडवांस बुकिंग से पता चल जाता है कौन सी मूवी कितने दिन कितना कलेक्शन करेगी। जब डे 27 की फाइनल रिपोर्ट आएगी रात 12 बजे तो दोस्तों मे भी 10-20 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन श्रद्धा कपूर की स्त्री टू डे 27 को दुनिया भर के बॉक्स पर इतनी कमाई करेगी। ये थी दोस्तों स्त्री टू की पहले दिन से लेकर 27 दिन की बॉक्स कलेक्शन रिपोर्ट जो मैंने एक बस इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। अब बात कर लेते फिल्म के डोडो कलेक्शन के बारे में। भाई साहब 27 दिनों के अंदर स्त्री टू ने हिंदी बेल्ट में 560 करोड़ की कमाई कर ली है। 27 दिनों के अंदर इंडिया ग्रोथ सिलेक्शन में 666 करोड़ की कमाई की है। पहले 27 दिनों के अंदर ओवर्स मार्केट में 154 करोड़ की कमाई करके श्रद्धा कपूर राजकुमार राव की स्त्री टू 27 दिनों के अंदर दुनिया भर के बक्स पे 820 करोड़ की कमाई करके अपना 80 करोड़ का बजट निकालने के बाद 740 करोड़ की प्रॉफिट में रूपये छाप के ऑल टाइम ब्लॉकबास्टर बनने का टैग लगवा चुकी है। दोस्तों हिंदी बेल्ट में 560 करोड़ की कमाई करके 27 दिनों के अंदर गदर 2 का 525 करोड़ का रिकॉर्ड स्त्री टू ने तोड़ दिया है। पठान का 524 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बॉबी 2 का 511 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वहीं पे एनिमल मूवी का 503 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ के KGF 2 का 435 करोड़ का हिंदी बेल्ट में कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। दंगल मूवी का 387 करोड़ का रिकॉर्ड टूट चुका है। पीके का 340, संजू का 342, बजरंगी भाईजान का 320 और टाइगर जिंदा का 339 करोड़ का रिकॉर्ड भी स्त्री टू ने तोड़ दिया है। केवल शाहरुख खान की फिल्म जवान का 583 करोड़ का रिकॉर्ड भी टूटना बाकी है, जो कि दोस्तों ये फिल्म पक्का जो है 30 से 35 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 585 करोड़ से ऊपर कमाई करके जवान का रिकॉर्ड तोड़ के इंडिया की नंबर 1 हाईएस्ट हिंदी बेल्ट में कमाई करने वाली मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम के ऊपर लगवा लेगी। वेल दोस्तों इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी 100% रियल, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप लोग श्रद्धा कपूर राजकुमार राव के डैंड फैंस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है। मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू सून।